अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वक्कर। और क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है और मेरी ये दुआ है कि आप लोग हर वक्त क्या रहो, खुश रहो और हेल्दी रहो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपली, जैसे हमने लास्ट में क्या किया था, हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में जाएँ तो उसमें सिंपली उन्होंने क्या दिया हुआ हमें, ए बी सी और डी मैट्रिसेस की पहले से क्या दी हुई है, वैल्यू दी है, और नीचे कोई उन्होंने 9 सवाल दिए हैं, और जो मतलब उस क्वेश्चन नंबर 3 के 9 आगे पार दिए हैं जिन्हें हमने इस वीडियो में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से अगर मैं ज्यादा टाइम में लेते हुए अपने पहले पार्ट की तरफ जाऊं तो उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है आप सिंपली क्या निकाल के, तो ए प्लस आपके पास उन्होंने दिया हुआ है 1, 1, 1 एंड 1 निकाल के दो। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं ये बात कहता हूँ कि मेरे पास ए किसके इक्वल है, -1, 2, 2 एंड 1 की इक्वल है, तो इसी जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कैसे ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो जैसे अगर आपके मैं x कहता हूँ, x इज इक्वल टू 2 है, फिर मैं आपको क्या देता हूँ कि 2x2 की वैल्यू निकाल के दो, तो आप क्या करते हो, आप सिंपली x की जगह x की क्या पुट करते हो, वैल्यू पुट करते हो, और जिस तरीके से ये पावर x की आ रही है उसी तरीके से उसके वैल्यू की भी क्या आ जाएगी, पावर आ जाती है। उस तरीके से जैसे ये 2 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही जो इसका आंसर आएगा उससे ये 2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। या फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास क्या x प्लस 7 पड़ा हुआ है और मैंने x की वैल्यू क्या ले ली है, 2 ले ली है, इसका मतलब ये हुआ कि x की मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, 2 प्लेस कर सकता हूँ। तो जिस तरीके से x 7 पे प्लस हो रहा था उस तरीके से x की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 7 में प्लस हो जाएगी। सेम काम हमने क्या करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्या a क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स में एड हो रहा है, तो हमने सिंपली a की जगह पे a की क्या लिखनी है, वैल्यू, और हमने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और पहली बात, क्या ये ऐड हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। तो अगर आप ए का मॉडल देखें, सॉरी ऑर्डर देखें, तो वो क्या है, 2x2, और इसका ऑर्डर क्या, बी क्या है, 2x2, तो मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख देंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है -1, 2, 2 एंड 1, और इस तरीके से ऐड मतलब ये 1 की जगह पे ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी, एडिशन एज इट इज आ गई, और ये जो हमने मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो एडिशन में क्या होता है, ऑर्डर चेक करने का मकसद यही होता है कि हमारे पास जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हो वो इक्वल हो। तो इस केस में भी 4 एंट्रीज है, इस केस में भी 4 एंट्रीज है, और क्रॉसपोंडिंग इंक्रीज इक्वल होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ द एंट्रीज क्या हो हमारे पास, इक्वल हो और क्रॉसपोंडिंग हो। मीन क्या हुआ कि ये जो है ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ये जो है इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ये जो है ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ये जो है वो इसके क्रॉसपॉन्डिंग है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज की वैल्यूज क्या है, सेम है, मतलब इधर जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री है उसके अकॉर्डिंग इधर भी कोई ना कोई क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री, इसके कोई ना कोई क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे क्या हुआ है, पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जिसकी क्रॉसपॉन्डिंग इस इधर ना पड़ी हो, और इसमें भी कोई ऐसी एंट्री नहीं है जिसकी क्रॉसपॉन्डिंग इसमें ना पड़ी हो। तो हम इसको फर्दर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -1 एंड 1, -1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 एंड प्लस 1। अब देखो पहली क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री, पहली क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री के अंदर दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी, चौथी के साथ, तो तीसरी क्या है 2, और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 तीसरी प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा, चौथी प्लेस पे जाएगा तो 1 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, और आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, -1 एंड +1 0, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 1, आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हमारे पास क्या था, 1 था, वो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें किया क्या हमने, सिंपली a की जगह पे a के मैट्रिक्स लिखा है, प्लस एज इट इज आने दिया, ये वाली भी टर्म एज इट इज आने दी है, उसके बाद हमने दोनों का ऑर्डर चेक किया तो दोनों का ऑर्डर क्या था, सेम था, इट मीन ये दोनों आपस में ऐड हो सकते थे। उसके बाद हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड किया, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री में ऐड किया, थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री में ऐड किया, और फोर्थ एंट्री को फोर एंट्री में ऐड किया, और हमारे पास आंसर क्या आया, 0, 3, 3 एंड 2। अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते तो हमारे पास पार्ट क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उन्होंने क्या दिया हुआ, उन्होंने बताया हुआ P+(-2)/3। तो इस केस में आपके पास एज इट इज जैसे ए था, तो ए की जगह पे मैंने ए की क्या लिख दी थी, वैल्यू लिख दी थी, यहाँ पे क्या बी है, तो मैं बी की जगह पे क्या लिख दूंगा, बी की वैल्यू, और वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 एंड -1, एडिशन आ गया, आपके पास क्या आ गया, -2 एंड 3। तो इस केस के अंदर आप अगर अब इसमें क्या होगा, ये वैल्यू इस वैल्यू के इसमें ऐड होगी, ये वैल्यू जो होगी वो इस वैल्यू में ऐड होगी, और आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस इंटू -2।
ये इनटू लगाने का मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की टर्म है और बाहर प्लस पड़ा हुआ, तो इस वजह से मैंने प्लस इनटू माइनस टू कर दिया, ताकि हम बाद में इन दोनों जो भी इनके साथ साइंस है उन्हें क्या कर सके, मल्टीप्लाई करके सिंगल साइन में लेके। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस में आना, लेकिन इन दोनों के दरमियान में क्या प्लस है, इस वजह से हमें दूसरी चीज को ब्रैकेट में नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि जो इन दोनों के साइन में फर्क, इन दोनों ये दो साइन है जिनके जो आपस में इकट्ठे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो साइन इकट्ठे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमने इसे ब्रैकेट में नहीं लिखा, लेकिन इसे किस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा। इसको मजीद अगर हम सॉल्व करते तो हमारे पास क्या होगा, वन प्लस एंड माइनस, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा टू, और नीचे माइनस वन एंड प्लस थ्री, माइनस वन एंड प्लस थ्री। मैं फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर वाले को सॉल्व नहीं किया था, मैंने अभी इस वजह से नीचे वाले को सॉल्व भी नहीं किया। तो इस तरीके से अगर आप देखो ऊपर वाले केस में आपके पास प्लस का वन है और माइनस का टू है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का वन, क्योंकि बड़ी वैल्यू का आंसर उनका साइन यूज होता है। इसी केस माइनस का वन और प्लस का थ्री है, तो आंसर क्या आएगा टू, और वो टू किसको होगा, प्लस का, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो किसकी है, प्लस की है। तो ये हमारे पास पार्ट टू आ गया। इसमें भी हमने सेम पार्ट ए की तरह किया, पार्ट वन की तरह किया कि ए की जगह बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट की, सेम इंटीज को आपस में, सेम क्रॉसपॉन्डिंग इंटीज को आपस में क्या किया, ऐड किया, और नीचे उनका क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। इसी के साथ अगर हम सी की तरफ जाते हैं, सी मीन के अगर हम पार्ट थ्री की तरफ जाते हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। उसमें उन्होंने क्या दिया, उन्होंने उसमें जैसे पहले में ए दिया, दूसरे में बी दिया, तीसरे में वो क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, और साथ में एक हमें मैट्रिक्स दे रहे हैं, वो मेरे पास माइनस टू है, वन है और थ्री है। इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी की तरह सेम होगा, हम सी की जगह पे सी की वैल्यू लिखेंगे, वो आपके पास क्या, वन माइनस वन एंड टू, प्लस आ गया, इसमें आपके पास माइनस टू वन एंड थ्री। इसको ऑर्डर अगर आप चेक करें तो इसको ऑर्डर क्या है, वन रो एंड थ्री कॉलम, इसको ऑर्डर भी क्या है, वन रो एंड थ्री कॉलम। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री ये होगी, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री ये होगी, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री ये होगी। तो इस केस में मेरे पास जो फर्स्ट वन होगा वो ऐड होगा किसमें, माइनस टू के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। इस तरीके से माइनस वन ऐड होगा प्लस वन में, और टू जो होगा वो ऐड होगा प्लस थ्री में। अगर आप इस चीज को देखो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन, टू प्लस थ्री। हम इन चीजों को यहाँ पे भी सॉल्व करके आंसर लिख सकते थे, लेकिन मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व की, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक ही बार सबका क्या दे दूंगा, आंसर दे दूंगा। तो इस केस में आपके पास वन एंड माइनस टू के केस में आंसर क्या आएगा, माइनस वन। यहाँ पे माइनस आने का मकसद क्या, जैसे पीछे मैंने बताया कि बड़ी वैल्यू यहाँ पे माइनस किया, तो आंसर किसके आएगा, माइनस, आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस वन एंड प्लस वन आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो, और इसी तरीके से टू प्लस थ्री आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव। तो पार्ट थ्री में भी हमने वही काम किया जो पार्ट वन और टू में किया, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन था हमने उसकी जगह पे उसकी क्या लिखी, वैल्यू, उन दोनों को चेक किया क्या, क्या उनका ऑर्डर सेम है, अगर सेम है तो फिर हमने क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और जो भी सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, माइनस वन जीरो एंड फाइव आया। अब उसी तरीके से पार्ट ए है, पार्ट बी हुआ, सॉरी पार्ट वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ। तो अब पार्ट और पार्ट वन में हमने ए को यूज किया, पार्ट टू में हमने बी को यूज किया, तो पार्ट सी में हमने डी को, सी को यूज किया, तो पार्ट डी में अब कौन सा रह गया हमारा, सॉरी पार्ट जो फोर है अब उसमें कौन सा रह गया हमारे पास, डी रह गया। तो हम अब किसको करेंगे, डी को यूज करेंगे। डी को यूज करते हुए मतलब यूज नहीं कर रहा, उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी प्लस जीरो वन जीरो जीरो टू टू जीरो वन। इसमें भी सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट वन टू और थ्री में किया, सेम इसमें भी हम करेंगे। ये हमारे पास क्या पार्ट फोर है। अब यहाँ पे आप डी की जगह पे डी की क्या लिखोगे, वैल्यू, तो डी की जगह पे डी की वैल्यू लिखो, तो वो आपके पास क्या है, वन टू एंड थ्री, माइनस वन जीरो एंड जीरो। डी की जगह पे डी की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपके पास प्लस है, प्लस से एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स भी क्या आ जाएगी, एज इट इज आपके पास आ जाएगी। अब अगर आप इसको ऑर्डर निकालते हो तो इसका ऑर्डर क्या है, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, मीन इसके अंदर दो रोज है और एक दो तीन इसमें क्या है, कॉलम है। इस तरीके से इसमें कितनी रोज है, दो, और इसमें कितने कॉलम है, तीन। तो बोथ केसेस में मीन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। और ऐड हमने किस तरह करना, फर्स्ट क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री विद फर्स्ट क्रॉसपॉन्डिंग, सेकंड विद सेकंड, थर्ड विद थर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस जीरो, टू प्लस वन, थ्री प्लस जीरो। इसी के से माइनस वन प्लस टू, जीरो प्लस जीरो, टू प्लस
वन, तो पहला वन में जीरो ऐड हुआ, टू में वन ऐड हुआ, थ्री में जीरो ऐड हुआ, माइनस वन में टू ऐड हुआ, जीरो में जीरो ऐड हुआ, टू में वन ऐड हुआ, और आपके पास ये चीज बन गई। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, वन थ्री थ्री वन जीरो एंड थ्री, तो आपके पास आंसर क्या आया, वन थ्री थ्री जीरो वन जीरो एंड थ्री। तो ये हमारे पास पार्ट फोर का क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें भी हमने पार्ट वन टू और थ्री किस तरह सेम किया कि डी था, डी की जगह पे डी की वैल्यू लिखी, उसको ऑर्डर चेक किया, ऑर्डर चेक करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग इसको ऐड किया और नीचे उनका आंसर लिख दिया। अब पार्ट फाइव में जाने से पहले मैं एक चीज आप थोड़ी सी आपको दोबारा रिकॉल करना चाहूंगा। अगर फर्ज करो आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या पड़ा हुआ, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस फाइव पड़ा हुआ, बाहर क्या पड़ा हुआ टू, तो क्या होता है इस केस में, हम टू को एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और फाइव के साथ भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब टू फाइव जार टेन। अगर इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर चार वैल्यूज पड़ी होती, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो इस केस में क्या होता और बाहर पड़ा होता टू, तो हम इससे अलग मल्टीप्लाई करते, इसमें अलग मल्टीप्लाई करते, इससे अलग मल्टीप्लाई करते, इससे अलग मल्टीप्लाई करते, मतलब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मोर देन डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई थी, हमने उनको क्या किया बाहर जो टू पड़ा होता उससे अलग अलग क्या किया मल्टीप्लाई किया। सेम काम अब हमने पार्ट फाइव में करना है। पार्ट फाइव में अगर आप देखते हैं तो वो क्या लिखा हुआ है, वो आपके पास सिंपल लिखा हुआ है टू ए, इट मीन्स यहाँ पे आपके पास टू पड़ा हुआ और ब्रैकेट में क्या पड़ा हुआ आपके पास माइनस वन टू टू एंड वन पड़ा हुआ है। जिस तरह हम सिंपल ब्रैकेट में क्या करते हैं कि बाहर जो भी वैल्यू पड़ी उसे फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड से भी, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, फाइव से भी एंड सो ऑन, जितनी वैल्यूज पड़ी होती है सबसे अलग अलग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी एक किस्म की ब्रैकेट ही है जिसमें फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो जिस तरह हम उस ब्रैकेट में हर चीज से अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में भी हम हर एक से अलग अलग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में जब आप टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास मतलब माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू, इसी के से टू मल्टीप्लाई बाय टू एंड वन मल्टीप्लाई बाय टू, तो आपके पास जो आंसर आएगा मतलब टू ए का जो आंसर आने वाला है, यहाँ पे आप टू ए सात के साथ लिख दो तो कोई गलती नहीं होगी, तो टू ए का जो आंसर आने वाला है वो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा माइनस टू फोर फोर एंड टू। तो पार्ट डी में पार्ट फाइव में सॉरी हमने क्या किया, टू ए लिखा हुआ था मतलब टू जो था वो ए के साथ क्या आ रहा था मल्टीप्लाई, तो हमने एक ही जगह पे एक ही वैल्यू लिखी, टू ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो मतलब ए में जितनी भी टर्म्स पड़ी हुई हैं, जितनी भी एंट्रीज पड़ी हुई उनके साथ भी क्या होगा मल्टीप्लाई, तो टू को हमने सबके साथ अलग अलग क्या कर दिया मल्टीप्लाई, उसके बाद जो भी आंसर आया वो हमारा किसका आंसर था, टू ए का आंसर था। इसी तरीके से अगर हम इसके पार्ट सिक्स की तरफ जाते हैं, अगर हम इसके पार्ट सिक्स की तरफ जाते हैं तो पार्ट सिक्स में पहले पार्ट वन में हमने ए के साथ किया, पार्ट बी में हमने किसके साथ किया, सॉरी पार्ट वन में हमने ए के साथ किया, पार्ट टू में बी के साथ, फिर थ्री में सी के साथ और फोर में हमने डी के साथ, अब हमने पार्ट फाइव में ए के साथ किया तो सिक्स में हम किसके साथ करेंगे डी के साथ, और उसमें सिंपली क्या लिखा हुआ माइनस वन मल्टीप्लाई विद बी, इसके केस में क्या होगा माइनस वन मल्टीप्लाई विद बी, और बी आपके पास क्या वन एंड माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई विद वन माइनस वन मल्टीप्लाई विद माइनस वन, या फिर आप इसको कंफ्यूज ना हो तो आप यूं कर लो कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे क्या यहाँ लिख दो बाद में लिख दो, तो इस केस में आपके पास प्लस माइनस, जब आप प्लस की किसी चीज को माइनस की किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस जो जवाब आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया वन मल्टीप्लाई वन माइनस का वन हो गया। इस तरीके से माइनस वन जब माइनस वाली मतलब माइनस माइनस वाली वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस हमें क्या देता है प्लस देता है, तो प्लस लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है और वन मल्टीप्लाई वन आपको क्या दे देगा वन दे देगा। इस केस में आपके पास जो बी का मतलब माइनस वन इंटू बी का जो आंसर है वो क्या है माइनस वन एंड वन। इसमें भी हमने पार्ट फाइव की तरह किया है कि हमने हर एंट्री से जो क्रॉसबॉर्डिंग स्केलर बाहर पड़ा होता है उसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से अगर हम पार्ट वही बात मैंने जैसे की कि पहले में ए के साथ, दूसरे में बी के साथ, तीसरे में सी, चौथे में डी, तो इस तरीके से पांचवे में ए के साथ कर रहे हैं, छठे में हमने बी के साथ किया, तो अब सातवें हम किसके साथ करेंगे सी के साथ, और इस केस में हमारे पास क्या पड़ा हुआ माइनस टू इंटू सी पड़ा हुआ। अगर आप देखो माइनस टू इंटू सी तो मतलब जिस तरह माइनस वन सबसे मल्टीप्लाई हुआ जिस तरह माइनस टू भी क्या होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, और आपके पास क्या आ जाएगा माइनस टू, पहले हम सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, ड्यूरिंग एडिशन मैंने ऑर्डर चेक किए थे,
लेकिन यहाँ पे हम एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है, वो जितनी भी वैल्यूज पढ़ी है हमने उन सब से अलग अलग क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास जो सी पढ़ा हुआ वो क्या पढ़ा हुआ, वो सिंपल एक रो मैट्रिक्स है ये चीज। तो आप क्या करोगे, वन को भी माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद माइनस वन को भी मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू के साथ, और इस टू को भी मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू के साथ। अब वही बात, अगर प्लस और माइनस की दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो आंसर आता है वो किस में आता है, माइनस में, और वन मल्टीप्लाई बाय टू आपके पास क्या आ जाएगा, टू, ये मैंने टू लिखा हुआ है। इसी के से माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस, चाहो तो लिखो, प्लस लिखना या ना लिखना वो आप पे डिपेंड होता है उसमें, वो अगर लिख दोगे तो, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई नुकसान नहीं है इसका। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन मल्टीप्लाई में माइनस वन आ गया प्लस का टू। इसी के से प्लस माइनस, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू आपके पास क्या हो गया, फोर हो गया। तो इस केस में हमने वही सिंपल किया कि माइनस टू था, सी अंदर पड़ा हुआ था, सी की एंट्री से हमने टू माइनस टू को किया कि मल्टीप्लाई, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस टू, टू एंड माइनस फोर। अब हमने कोई स्केलर ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, किसी स्केलर को बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर को अपने सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारे पास क्या क्या रह गया, स्केलर मल्टीप्लाई होना रह गया, किसके साथ, डी के साथ। तो इसके पार्ट अगर एट में जाते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ उसने, सिंपली पार्ट एक में मैं वो डिमांड क्या कर रहा है, थ्री टी, इस मीन थ्री इंटू डी। तो डी आपके पास क्या है, वन टू थ्री माइनस वन जीरो एंड टू। अब इसमें थ्री वन से भी मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप जो मैं पहले वैसे करता आ रहा हूं कि वन मल्टीप्लाई बाय थ्री किया मैंने, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री किया मैंने, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री किया मैंने, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री किया, जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री और टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो इस केस में मैंने थ्री को इसकी हर एंट्री से अलग अलग क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री थ्री टू आर सिक्स, थ्री थ्री आर नाइन, माइनस थ्री जीरो एंड सिक्स। तो इस केस में देखें हमने वही काम किया जो हमने पांचवे छठे सातवें पार्ट में किया था, सेम उसमें वही हमने आठवें में किया है कि थ्री था थ्री लिख दिया, अंदर डी था तो डी लिख दिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, थ्री को डी की हर एंट्री से अलग अलग क्या किया, मल्टीप्लाई, और मेरे पास आंसर क्या आया, थ्री सिक्स नाइन माइनस थ्री जीरो एंड सिक्स। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर थ्री के पहले आठ पार्ट कर लिए। अब हम इसके कौन से पार्ट की तरफ जा रहे हैं, पार्ट नंबर नाइन की तरफ, वो भी इजी है, उसमें बस यहाँ पे क्या है, डी की जगह पे क्या है आपके पास, सी है, और वो आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब उन्होंने क्या लिखा हुआ, उन्होंने पार्ट नाइन, पार्ट नाइन में हमने क्या फाइंड करना है, थ्री सी फाइंड करना है। और मैं चाहूंगा कि अगर मैं ये चाहूंगा कि ये पार्ट आप खुद करके ना मुझे कमेंट्स में दे दें, क्योंकि वजह ये कि मुझे उम्मीद है कि अब तक जितना मैंने समझाया कि आप ये पार्ट कर लेंगे, अगर नहीं हुआ किसी बंदे से ये पार्ट नहीं होता तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, मैं उसे रिटर्न फॉर्म में उसके रिप्लाई में उसे क्या कर दूंगा, ये क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नाइन है क्वेश्चन नंबर थ्री का वो क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तब तक के पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपली क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट को किया, और पार्ट नाइन जो है वो मैंने आप पे छोड़ा कि आप करके दिखाएं, अगर तो हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसकी प्रिंटेड फॉर्म आपको क्या दे दूंगा, आपके कमेंट्स में क्या कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। उसके साथ अगर इस टॉपिक में आपको किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, किसी भी पार्ट के अंदर या किसी भी बात की समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं अगेन आपको उसके बारे में मीन जो भी हो सका मैं दोबारा आपके लिए कोई ना कोई हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।